Hello, students. Today we will study chapter number 8 more about logo. In earlier chapter, you have read about logo, that logo is a programming language. It is used for making drawing with the help of turtle. So, we will see more commands like hide turtle, show turtle, and all. Let's see the commands. First, hide turtle. sometimes you want to see a clear drawing on the screen without the turtle you can hide the turtle by using the hide turtle or command. hide turtle, turtle का क्या वर्क है मान लीजिए आपने कोई drawing बनाई और आप बिना turtle के वो drawing कैसी दिखेगी वो आप देखना चाहते हैं तो आप hide turtle का यूज करके अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं hide turtle जो टर्टल हाइड हो जाएगा और आपकी ड्राइंग क्लियरली आपकी स्क्रीन पे दिखेगी show turtle इफ यू हैव हिडन द टर्टल यू कैन मेक इट विजबल अगेन बायिंग द शो टर्टल और एस टी कमांड जब आपने हाइट टर्टल किया तो आपका टर्टल हाइड हो गया एंड आफ्टर दैट यू वॉन्ट टू शो द टर्टल अगेन सो यू विटल कमांड आफ्टर दैट द टर्टल विल बी विजबल ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट कमांड विल बी क्लियर स्क्रीन यू कैन इरेज ऑल द लाइन ऑन द स्क्रीन बायिंग द क्लियर स्क्रीन और सी एस कमांड क्लियर स्क्रीन कमांड इज यूज क्लियर स्क्रीन कमांड क्यों यूज होता है जितनी भी लाइन प्रेजेंट है आपके टर्टल स्क्रीन पे सब इरेज करने के लिए यूज होता है टर्टल टू होम पोजिशन जो भी इरेज हो जाएगी और टर्टल आपकी क्या होम पोजिशन पे वापिस आ जाएगा द क्लीन कमांड लेट्स यू इरेज ऑल द लाइन्स ऑन द स्क्रीन बट किस द टर्टल क्लीन कमांड भी यही करेगा बट टर्टल जहां लास्ट पोजिशन पे था वहीं पर रहेगा होम पे वापस नहीं आएगा क्लियर टेक्स यू कैन क्लियर ऑल द टेक्स्ट इन द रिकॉल लिस्ट एंड द कमांड द कमांड इनपुट बॉक्स बाय यूजिंग द क्लियर टेक्स क्लियर टेक्स क्यों यूज होता है इतना भी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में पुराने कमांड से सबको क्लियर करने के लिए क्लियर टेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं सेट कमांड द टर्टल विदाउट यूजिंग द एल टी और आर टी कमांड सेट कमांड कमांड इज यूज वेन यू वॉन्ट टू टर्न द टर्टल विदाउट यूजिंग क्या यूज है आपको लेफ्ट टर्न या राइट right टर्न को टर्टल को करना है तो आप एल टी और आर टी कमांड यूज करते थे मगर सेट कमांड से क्या होगा आपका टर्टल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा पेन कमांड द टर्टल हैज अडन पेन दट इज यूज टू ड्रॉ एज इट मूव अक्रॉस द स्क्रीन टर्टल कैसे ड्रॉ करता है पेन कमांड से एक उसमें हिडन पेन होता है जिसके थ्रू वो ड्रॉइंग करता है सो पेन अप द पेन अप और पी यू कमांड इंस्ट्रक्ट द टर्टल टू लिफ्ट द पेन देन इट डज नॉट ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव जब पेन अप कमांड का आप यूज कर लेंगे तो पेन अप हो जाएगा यानी कि लिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद कोई भी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं टर्टल का यूज करके पेन डाउन विद द पेन अप कमांड द टर्टल नो लॉन्गर ड्रॉज ऑन द स्क्रीन वेन यू ऑन द टर्टल टू ड्रॉ अगेन यूज द पेन डाउन और पी डी का ऑन नाउ अगर आपको टर्टर आप से, से ड्रॉ करना है तो आपको पेन डाउन कमांड का यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ड्राॅइंग कर पाएंगे अब आता है चेंज पेन कलर ऐसा नहीं है कि आप एक ही कलर का पेन यूज करके ड्राॅइंग कर सकते हैं दे आर मेनी कलर यू कैन यूज टू ड्रॉ इट क्लिक ऑन द सेट टैब इन द मेन्यू बार क्लिक ऑन द पेन कलर क्लिक ऑन ए कलर प्रेस ओके द टर्टल विल नाउ ड्रॉ इन द चूज कलर जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर का यूज करके ड्रॉ कर कर सकते हैं। now, कर सकते हैं हैं पेन साइज भी आप चेंज क्लिक ऑन द सेट टैब इन द मेन्यू बार क्लिक ऑन पेन साइज क्लिक ऑन अ लाइन थिकनेस प्रेस ओके जैसे ही आप प्रेस ओके okay करेंगे आपके पेन की थिकनेस चेंज हो जाएगी पेन इरेज द पेन इरेज और पी कमांड इज यूज्ड टू इरेज अ एज द टर्टल मूव आफ्टर यू गिव दीई कमांड पेन इरेज क्या है यह पीई कमांड क्या है इरेज करता है लाइन एज द टर्टल मूव आफ्टर यू गिव दीई कमांड जैसे ही आप पीई कमांड देंगे पेन इरेज कर देगा जैसे द एफ डी एंड बी के कमांड विरेज इरेज द लाइन प्रीवियसली प्रेजेंट जो प्रिवियसली एफ डी और बीके कमांड प्रिवियसली प्रेजेंट जो प्रीवियसली एफ डी ओ बी के कमांड के थ्रू आपके लाइन्स प्रेजेंट हुई थी वो आपकी लाइन्स इरेज कर देगा टू स्टार्ट ड्राइंग यूज द कमांड पेन नॉर्म। जैसे ही पेन नॉर्मल कमांड आप यूज करेंगे नॉर्मली वो ड्रॉ होने लगे ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रीड दिस द स्नैप रिकैप इट विल गिव यूर यू ऑफ द चैप्टर ओके थैंक यू क्लास